हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज मोहम्मद बिलाद अली एंड आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं अभी तो मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो उसके भी 90% चांसेस हैं कि आपने साहिल यतीम के पॉडकास्ट या क्लिप की वजह से मुझे सब्सक्राइब किया होगा। खैर, बात जो है वो ये है कि वजूहात जो मर्जी बनी हो सब्सक्राइब कर लेगी। अब आपने मुझे सब्सक्राइब किया हुआ है, आप मुझे देख रहे हैं, मैं आपको देख रहा हूँ, और हम आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह कितने 870 सब्सक्राइबर्स हो गए थे जब मैंने लास्ट चेक किया है। इतने लोग मैं कभी इकट्ठे नहीं देखे, 870 लोगों ने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। खैर, अब सीन ये है कि भाई इतने लोगों ने सब्सक्राइब किया है तो मैं जानता तो एक दो को भी नहीं हूँ। तो एक काम करें आप, पहले मेहरबानी करके सबसे पहले पीछे वीडियो को भी पॉज करें, एक काम करें, नीचे नीचे जाए लिंक डिस्क्रिप्शन में, इंस्टाग्राम के तो यूज़र नेम आई एम बिलाल, या फिर लिंक पे क्लिक करके इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, ठीक है? ना फॉलो करें बेशक, लेकिन मैसेज करें एटलीस्ट कि भाई मैं फलाना फलाना हूँ, अपना नाम, अपना पता पता होना चाहिए ना, कनेक्शन मिलना चाहिए 1 to 1, ठीक है? कनेक्शन बनना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि आपने मेरी वीडियो देखी, आपने फॉलो कर दिया और बस यही भाई जबानी कलामी ऑनलाइन बात, नहीं, कनेक्शन बनना चाहिए प्रॉपर, ठीक है? तो अपने आप को डीएम करें, इंट्रोड्यूस करें अपने आप को कि भाई मैं फलाना शहर से फलाना बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ, और ये मेरे कॉलेज का नाम है, स्कूल का नाम है, या मैं ये जॉब करता हूँ, वट एवर। तो उससे ना इंशाल्लाह कम्युनिटी बिल्डिंग करते हैं। ये पहली बात कर ली और इसी में 2 मिनट लगा लिए, सुस्त तो हम शुरू से ही बहुत हैं। खैर, आज थोड़ी लाइटिंग वगैरह मज़ा ही लगा लिया ना, थोड़ी ही चेंजेस किए, चेंजेस बहुत ज़्यादा किए हैं एक्चुअली मैंने आप लोगों की खातर में। यार सब्सक्राइबर्स बढ़े, मतलब साहब पैसे लगाओ थोड़े, ये डिवाइस लिए है, ठीक है ना, और एक माइक भी लिए है, तो इंशाल्लाह पॉडकास्ट आ रहे हैं बड़ा मज़े मज़े के लोगों के साथ, बड़े बड़े अजीब अजीब, मतलब बड़े बड़े और तरीके के पर लोगों के साथ पॉडकास्ट आ रहे हैं, ऐसे लोग जो मेरे पाकिस्तानी पॉडकास्ट में कभी ज़िंदगी में नहीं आए। तो अलहमदिल्ला इन्वेस्टमेंट हो रही है, ठीक है ना, आप लोग ही खाते हैं मोहब्बत है ना सर, मोहब्बत आपने डाली, आपने दी, ठीक है ना। उम्मीद करता हूँ मोहब्बत बरकरार रहें, हम भी बरकरार रहेंगे, ठीक है ना। मोहब्बत दी, हम उसके शुक्रगुजार हैं। 870 सब्सक्राइबर्स, उम्मीद करता हूँ इसके आधे एटलीस्ट 400 या 300 या 200 लोग तो एक वीडियो देखे ही देखें, ठीक है, उतना ही काफ़ी है। और जो जो देख रहे हैं उसका भी एटलीस्ट आधा 100 लोग बताएं अपने बारे में कि यार मैं फलाना फलाना शहर से फलाना फलाना बात कर रहा हूँ, ये मैं करता हूँ, ताकि इंशाल्लाह नेटवर्क बने, कनेक्शन बने पूरा। तो ये नहीं कि भाई एक बंदे ने साइंस का पॉडकास्ट किया था उसको सब्सक्राइब कर दिया, नहीं, ठीक है, कनेक्शन बनना चाहिए फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस। अच्छा जी, और ये बात करनी थी, एक और बात करनी थी, हाँ, और क्वेश्चन आंसर करने लग के क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्रॉपर क्यों नहीं करते हैं। तो जो जो सवालात हैं आपके उनको कमेंट में डालें, ठीक है ना। एक होता है 1000 स्पेशल क्यों नहीं, हम करेंगे बिफोर 1000 स्पेशल क्यों नहीं, 1000 से पहले पहले वो क्यों नहीं अपलोड करेंगे इंशाल्लाह। तो अच्छे अच्छे सवालात डाल देने चाहिए, ठीक है। और दो चीज़ें हमें करनी है, एक आपने सवाल डालना अच्छा सा कोई भी ज़िंदगी के बारे में, जिस मर्जी चीज़ के बारे में, तुम्हारी तो दाढ़ी क्यों नहीं पूरी उगती भाई, ये सवाल अच्छा है, कर सकते हैं आप ये भी। खैर, किसी किसी का भी सवाल करके आप जी डालें, इंशाल्लाह 999 पे वीडियो अपलोड कर देंगे, 100,000 से पहले इंशाल्लाह, ठीक है जी। अब आते हैं वीडियो पर, बहुत लंबी कर दी, बहुत लंबी कर दी भाई, मन लंबी करने की आदत है भाई, शुरू भी हम ऐसे भी लंबे बहुत हैं अल्लाह के हुक्म से, 6 फुट 4 इंचज है, ठीक है ना, तो लंबी करने की बचपन से आदत है। खैर, आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो ये है, ये काफ़ी लोग मुझे पूछते हैं भाई ओवर थिंकिंग कैसे रोकें, ओवर थिंकिंग का कैसे रोकें, ओवर थिंकिंग कैसे रोकें। अब मैंने कहा तो यार ओवर थिंकिंग क्या होता है, वो मेरी बुक है, ठीक है, द सर्टन अनसर्टन, उसमें मेरे चैप्टर पूरा लिखा है कि देर इज़ नो सच थिंग एज ओवर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग इज़ अ मिथ, ठीक है। मैं क्यों कह रहा हूँ, अब ओवर थिंकिंग अगर लफ्ज़ का हम डायग्नोज करें ना, उसको ज़रा वो करें, एनालाइज करें, ओवर का मतलब यहाँ पे क्या है, ज़्यादा, एक्सेस,
ज्यादा सोच रहे हैं। तो क्या एक साइंटिस्ट या क्या एक फिलोसोफर या क्या एक राइटर या क्या एक कुछ कोई भी सोचने वाला बंदा सोचता नहीं है और ज्यादा ही सोचता है? तो फिर मसला यहाँ पे आता है पॉजिटिव थिंकिंग नेगेटिव थिंकिंग। नेगेटिव थिंकिंग ये है कि आपने विदाउट फैक्चुअल एविडेंस आप किसी बात को सोचो, उसको अज्यूम करो और फिर उसकी डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को सोचते रहो कि यार उसने ये ऐसे किया तो उसने ये इसलिए ऐसे किया होगा, इस वजह से किया होगा, ये ऐसे करता है तो ये क्यों करता है, तो ये क्या बिना वजह कि इससे कोई सर पैर ही नहीं बनता, लेकिन और बिना वजह इसको अज्यूम करते रहो वैसी चीज़ जिसका कोई फैक्चुअल एविडेंस नहीं है। देखो तो जो सारी बात है ना ओवर थिंकिंग की, ये है ही गलत, बिकॉज ओवर थिंकिंग इज अ मिथ, ठीक है ना। देयर इज नो सच थिंग एज ओवर थिंकिंग, इट्स इधर राइट वे ऑफ थिंकिंग और रॉन्ग वे ऑफ थिंकिंग। रॉन्ग वे थिंकिंग क्या है, आप ऐसे लूप होल में फंस जाओ, ठीक है ना, पॉसिबिलिटीज के और अजम्पशंस के, कि आप बिना वजह की पूरी कहानी बना लो जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती सिरे से, जो कि अगर फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, ठीक है ना। और दूसरी चीज़ आपके सामने, क्या आइंस्टाइन ओवर थिंकर नहीं था, ठीक है ना, मैं कितनों का नाम ले लूँ यहाँ पर, गजाली ओवर थिंकर नहीं था, ठीक है। आप जितने भी आइमा और उलमा रहे हैं क्या ओवर थिंकिंग नहीं है, जितने भी राइटर रहे हैं वो ओवर थिंकर नहीं थे, जितने भी फिलासफर रहे हैं वो ओवर थिंकर नहीं थे। ओवर थिंकिंग बुरी चीज़ नहीं है, बहुत अच्छी चीज़ है बल्कि, ठीक है ना, अगर उसको सही तरीके से यूज़ करना आ रहा हो। आँख को कैसे रोके देखने से, ठीक है ना, या फिर कान को कैसे रोके सुनने से, नहीं होता। इन्हें सुनने और देखने से दिमाग सोचना है, अगर आप उसको चीज़ दोगे सोचने के लिए उसमें सोचेगा, अगर नहीं दोगे तो फिर कुछ भी सोचता रहेगा, कभी भी फ्री नहीं बैठता है दिमाग। इवन आप सो रहे होते हो ना फिर भी आपको ख्वाब आ रहे होते हैं, अभी इसी चैम्बर की वजह से आ रहे होते हैं, सोचता नहीं है। ये सर काम ही यही है टू थिंक, अगर ये काम ही नहीं करेगा तो फायदा इसका नहीं यहाँ पे आने का, ठीक है। ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने बड़ा बड़ा मशहूर है, वी आर ओवर थिंकर्स, नेशनल ओवर थिंकर, चैम्पियन ऑफ ओवर थिंकिंग, ऐसे बड़े मजे मजे लोगों ने बिथ बताई होती है बच्चों ने, मुझे बड़ी प्यारी लगती है बातें। मैं अच्छा चलो ओवर थिंकिंग क्या होता है, मैं से पूछता हूँ, कहते बस यार बिना वजह सोचना। आप बिना वजह ही सोचते हो तो वहाँ का काम है सोचना, अगर आप बिना वजह को वजह दे दो तो वो सोचना अच्छी तरीके से सोचना शुरू कर देगा, अगर आप वजह नहीं दोगे तो बिना वजह सोचेगा वो, सिंपल सी बात है। दोनों इसमें आपको ख़त्म नहीं करनी होती ओवर थिंकिंग, बट रुकूंगा से रुकना नहीं है आपने, ठीक है ना, आपने बस डायरेक्शन देनी है कि भाई इस तरह आप सही सोचने वाली चीज़ पर सोचोगे जो कि कुछ भी हो सकता है। अब जारी बात है फ्यूचर के बारे में सोचोगे अगर आप, तो आपका फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, ठीक है ना, या फिर मेरी बंदी क्या कर रही होगी इस वक्त, इसके बाद अच्छा फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, अगर बस कोई एविडेंस नहीं है, आप एक अजम्पशन बनाओगे कि यार वैसे वैसे वो रोज़ ये करते तो अभी ये कर रही होगी शायद, इस तरह फ्यूचर के बारे में सोचोगे आप, तो उसके बाद भी आपको फैक्चुअल एविडेंस नहीं है, अगर बस पॉसिबिलिटी है हाँ यार ये ऐसा हो सकता है, तो ये चीज़ें ना आपको फंसाती है लूप में, बिना वजह स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, एंगजाइटी टेंशन बिना वजह की, जिस चीज़ के अगर सेक्चुअल एविडेंस नहीं है उसका ना उस पर सोचने का फ़ायदा ही नहीं है। इसे सोचना है यार मैं कैसे वो फलाना प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। अब आप सोचो सोचते रहो, आप ना कोई टेंशन होगी ना कोई पर्सनल होगा, बल्कि आप इवेंचुअली इवेंचुअली विद टाइम कोई ना कोई उसका हल निकाल लोगे मसले का। तो उस चैम्बर को ना बिल्ला हो जाए कि एजम्पशन सोचने से बेहतर इस चैम्बर को यूज़ करो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, जिसके लिए बना है, रीजनिंग के लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, याद करने के लिए नहीं बना है कुछ भी ये, ठीक है। लंबी बात हो गई, लंबी खिंच गई, लंबी करने की मेरी बचपन से आता है, ठीक है। बाकी सोच रहा हूँ लाइव आया करूँ यूट्यूब पे हर फ्राइडे को और हर सैटरडे को इंस्टाग्राम पे, उस बारे में क्या ख्याल आते हैं। लाइक करना भाग जाना, ठीक है ना, यहाँ पर 100 लोग तो देख ही लेते हैं वीडियोज़, वैसे तो बड़ी बुरी बात है यार, 100 देखते हो यार सिर्फ 100, ठीक है चलो यार पहले दिन कोई नहीं देख रहा, बिजी हो गए, अगले दिन देख लो, ठीक है, उससे अगले दिन देख लो, उससे अगले दिन पहले हफ्ते तो देखो ना, ठीक है। तो लाइक नहीं छोड़ना, आप जो भी आपका नाम है, ठीक है ना, असगर, अमजद, बिलाल, हुसैन, अली, ठीक है ना, ईशा, मरियम, आयशा, जो भी नाम है आपका, आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करें कि भाई ये मैं ये वाला ये काम कर रही हूँ, ये कर रहा हूँ, ये कर रही हूँ, वट एवर इट इज़, ताकि एक कनेक्शन बने, ठीक है ना। ये बात मैं तीसरी बार वेट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे तीसरी बार वेट करनी पड़ रही है, ठीक है जी, ओके, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।